स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सूरत मोहित कृष्णा में। रेलवे से जुड़ी किसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए फ्रेंड आप सूरत मोहित कृष्णा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फाइनली हमारे कुछ यूजर्स काफी समय से कमेंट कर रहे थे दिवाली स्पेशल ट्रेन की लिस्ट नहीं आ रही है, तो फाइनली दोस्तों तीन नई स्पेशल ट्रेन की लिस्ट आ चुकी है। एक ट्रेन की बुकिंग चालू हो चुकी है जिसमें भी कुछ 50 से 60 सीटें खाली है, और दो ट्रेन ऐसी हैं जिनकी अभी बुकिंग नहीं चालू हुई है। हालांकि रेलवे ने उसकी बुकिंग डेट अनाउंस नहीं की है, बट अपने वेबसाइट और एप्लीकेशन पे ट्रेन का नाम उन्होंने डाल दिया हुआ है। उसकी बुकिंग जब भी होगी दोस्तों सुबह 8 बजे होगी, तो आपको वेबसाइट या फिर IRCTC के एप्लीकेशन पर विजिट करना पड़ेगा। तो कौन कौन सी ट्रेन है दोस्तों मैं आपको वीडियो में बता सकता हूँ। देख सकते दोस्तों अभी फिलहाल मेरा लोकेशन चेंज है क्योंकि इस समय मैं उड़ना रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूँ, क्योंकि अचानक मुझे रेलवे की तरफ से अपडेट आया, तो उसका सबसे पहले आपको बता दूँ ज्यादा बेटर रहेगा। तो चलो हम फटाफट उन सभी ट्रेनों की लिस्ट आपको बता देता हूँ जिनकी बुकिंग ऑन हो चुकी है उसकी बता देता हूँ। सबसे ज्यादा फायदा दोस्तों इसमें यूपी वाले को मिलने वाला है, जो मुंबई से यूपी जाना चाहते हैं या फिर जो सूरत से यूपी की तरफ जाना चाहते हैं। बहुत से ऐसे हमारे रेल यात्री जो सूरत से जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों उनको देखते हुए वीडियो बनाए गए। हालांकि जो लोग और भी जाना चाहते हैं उनके पास भी वीडियो शेयर करें, ताकि उनको भी बहुत अच्छे से पता चल जाए कि सूरत से मतलब प्रयागराज के लिए या फिर उत्तर प्रदेश के लिए तीन नई स्पेशल ट्रेन का ऐलान किया गया, जिसमें एक की बुकिंग ऑन हो चुकी है और दो की बुकिंग ऑन होना बाकी है। तो चलो हम फटाफट आपको उन स्पेशल ट्रेन की लिस्ट बता देते हैं, फिर उसका नाम आज मैं आपको बता देता हूँ। अली फ्रेंड, इसमें जो हमारी पहली ट्रेन है मैं आपको बता देता हूँ, उसकी गाड़ी नंबर है 09117। एक बार फिर से सुन लीजिए, 09117 सूरत सूबेदारगंज स्पेशल। जी हाँ दोस्तों, सूरत से चलेगी, सूबेदारगंज की जाएगी। ये दोस्तों हर फ्राइडे को चलेगी, मतलब वीकली एक्सप्रेस है, हफ्ते में केवल एक ही दिन चलेगी। इसकी बुकिंग ऑन हो चुकी है, ये 22 अक्टूबर से दोस्तों स्टार्टिंग होगी। और दोस्तों अभी रेलवे ने इसका ट्रिप नहीं तैयार किया है, मतलब ये आने वाले कल तक चलती रहेगी। जब इसमें क्राउड कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसको बंद कर दिया जाएगा। और दोस्तों अभी इसमें स्लीपर में 78 सीटें खाली है, और जो थ्री टायर है इसमें सबसे ज्यादा सीटें खाली, मतलब सबसे ज्यादा इसमें कोचेस थ्री टायर के लगाए गए हैं। हालांकि नॉर्मल ट्रेनों की प्राइस के मुकाबले इसमें आपको प्राइस थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। फिर भी दोस्तों जो लोग उत्तर प्रदेश जाना चाहते हैं, सूबेदारगंज इलाहाबाद नहीं आता है, प्रयागराज से लमसम 5 किलोमीटर दूर है, वो दोस्तों इसमें कर सकते हैं। इसकी टाइमिंग है दोस्तों सुबह 6 बजे से सूरत से निकलेगी, और उसके दूसरे दिन 7:50 के मतलब 8 बजे के आसपास आपको इलाहाबाद ही पहुंचा देगी। जो यात्री को अभी कंफर्म टिकट नहीं मिला है, जिनकी बैटिंग टिकट है कंफर्म होने के चांस नहीं है, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो देखने के बाद इंस्टेंट वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन पे विजिट करें, तुरंत जाके आप अपना कंफर्म टिकट बुक करें, क्योंकि इसकी बुकिंग ऑन हो चुकी है। कुछ ही मिनटों में मुझे ऐसा लग रहा है कि सीटें सब फुल हो जाएंगी और RAC आ जाएगा। हालांकि अगर आपको RAC मिल जाता है तो भी आप ले लीजिएगा, कंफर्म हो जाएगा, बाकी थ्री टायर में तो सीटें खाली हैं। उसके बाद दोस्तों जो हमारी दूसरी ट्रेन है वो मुंबई से जा रही है, लेकिन वो सूरत के रास्ते होकर जाएगी। उसकी गाड़ी नंबर 091191 बांद्रा टर्मिनस सूबेदारगंज, मतलब मुंबई में दोस्तों आपको पता है यूपी बिहार वाले काफी रहते हैं, उनको भी दोस्तों बहुत से लोगों को टिकट नहीं मिला होगा। दोस्तों इसमें स्लीपर के भी कोचेस रहेंगे और थ्री टायर के रहेंगे। इसकी बुकिंग अभी नहीं मतलब रेलवे ने बताई है, और 23:32 पे दोस्तों ये सूरत में मिलेगी। अगले दिन दोस्तों 22:20 पे ये हमें सूबेदारगंज छोड़ देगी। इसमें स्लीपर और थ्री टायर के कोचेस रहेंगे। इसकी बुकिंग उन्होंने अनाउंस नहीं की हुई है, बट आप वेबसाइट पर विजिट करते रहो, आपको इसी तरीके से पता चल जाएगा कि ट्रेन बुकिंग कब होने वाली है। उसके बाद दोस्तों सेम है बांद्रा टर्मिनस मऊ सुपरफास्ट स्पेशल है 091193। आपको बहुत अच्छे से पता होगा जो ट्रेनें स्पेशल होती हैं उनकी प्राइस भी नॉर्मल के मुकाबले ज़्यादा रहती है। तो इसमें दोस्तों आपको सेकेंड सीटिंग स्लीपर थ्री टायर भी देखने को मिलेगा, और 3:20 पे सूरत आएगी, और 3:10 पे ये प्रयागराज जंक्शन पहुंच जाएगी, और हर बुधवार को चलेगी। उसके पहले जो मैं बताया था वो भी हर बुधवार को चलेगी। तो ये दो ट्रेन ऐसे हैं दोस्तों जिनकी बुकिंग अभी नहीं अलाउड, मतलब डेट नहीं बताई गई है, या फिर इनकी बुकिंग अभी नहीं चालू हुई है। इनकी बुकिंग के लिए आपको वेबसाइट पर ही विजिट करना पड़ेगा। टाइमिंग मैं आपको बता दे रहा हूँ, सुबह के 8 बजे ही इसकी बुकिंग होने वाली है। दोस्तों टोटल 3 स्पेशल ट्रेन थी जिसकी लिस्ट मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया। बस दोस्तों आशा करता हूँ बहुत से लोगों को यूजफुल लगा होगा। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप सूरत मोहित कृष्णा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के वीडियो हम यहीं को समाप्त करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।